हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम करेंगे क्लास नंबर 12 फ्लामिंगो बुक की पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66 के पैराग्राफ्स के क्वेश्चन। गाइज, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, जिसमें जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने इस स्टोरी मतलब इस पोएम की एक्सप्लेनेशन दी थी, और सेकेंड वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो सके थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन से लेके जितने भी क्वेश्चन इस पोएम के बनते थे वो मैंने करवाया था। अगर आपने वो दो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले जाके उस दो वीडियो पर विजिट करें, अच्छे से उसकी नॉलेज लें, देन ये वाली वीडियो देखें। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो जो है वो पैराग्राफ की लेके आऊँगी, क्योंकि पैराग्राफ जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो मैं ये जो वीडियो है वो पैराग्राफ्स की लेके आई हूँ। तो गाइज, मैक्सिमम बच्चों को इसी में तकलीफ़ होती है पोएम के पैराग्राफ्स में, क्योंकि पोएम के पैराग्राफ्स थोड़े से उल्टे पुल्टे से होते हैं, काफ़ी कम वर्ड्स में हमें बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये वीडियो जो है वो पैराग्राफ के लिए है। तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, कितने देर से आप देख रहे होंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आयशा माय मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक। सो गाइज, इस ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब ये वाला जो पैराग्राफ है वो 2009, 2012, 2016 और 2017 सब में आया है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और पैराग्राफ तो आते ही रहते हैं, तो ये जो है हमें सभी पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में होता है कोई क्वेश्चन आता है कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट पैराग्राफ जो है वो हर एक सीरीज़ में आता ही है, ठीक है। तो आपने पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, ज़्यादा पैराग्राफ्स तो होते नहीं है, एक पोएम में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पैराग्राफ या 4-5 पैराग्राफ ही होंगी, क्वेश्चंस की तरह तो ज़्यादा होंगे नहीं। तो फर्स्ट है नेम द पोएम एंड द पोएट। गाइस, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले उसके पोएट का नेम और पोएम का नेम अच्छे से याद कर लें। जैसे कि इस पोएम में जो नेम है वो है माय मदर एट 66, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, और पोएट का नेम है कमला दास, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66 एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ कमला दास। तो ये तो एक नंबर आपने गेन कर लिए, ठीक है। वेयर वॉज द पोएट गोइंग, मतलब पोएट कहाँ को जा रही थी, तो ये भी हमें पता है, शी वॉज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पोएट्स मदर लुक, पोएट की मम्मा कैसी दिख रही थी, जिसकी मम्मी है वो कैसी दिख रही थी, तो उसकी मम्मी बहुत पेल दिख रही थी, तो शी लुक्ड एज पेल एज डेथ। अगर आपने एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उसको देखिए, तभी ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आएगा। वट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, पोएट को क्या रियलाइज हो रहा था पेन के साथ, यानी दर्द भरे सोच के साथ वो क्या सोच रही थी, तो शी रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, यानी उसको क्या रियलाइज हो रहा था कि उसकी मम्मी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और कभी भी इस दुनिया से जा सकती है। इसी के साथ पैराग्राफ 1 जो है वो कम्प्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ 2 के तरफ। बट सोन पुट डैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्री स्प्रिटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुकड अगेन एट हर। तो ये जो है इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है, नेम द पोएम एंड द पोएट, तो आपने ध्यान रखना पोएम का नेम और पोएट का नेम अच्छे से याद कर लें, तभी आपको फ़ायदा है, एक नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, पेपर में किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पोएम का नेम का है पोएट का नेम का है, क्योंकि बस क्लास 12th में 6 पोएम्स हैं और 6 पोएम्स के नेम याद करना मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल बात है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो है वट वॉज द मदर डूइंग बिसाइड द पोएट, तो मदर क्या कर रही थी जब वो कार के अंदर बैठी हुई थी, तो शी वॉज डजिंग विद हर ओपन माउथ, वो ऊँग रही थी अपने खुले मुंह के साथ। हाउ डिड द पोएट पुट डैट थॉट अवे, कैसे पोएट ने अपने थॉट को अवे कर दिया, मतलब भुला दिया, तो शी स्टार्टिंग लुकिंग एट द सीन्स आउटसाइड द कार, उसने क्या किया बाहर देखना शुरू कर दिया कार के, क्योंकि वो कार में बैठी थी और बाहर के नेचर को वो ऑब्जर्व करने लग गई, जिससे वो अपनी मम्मी के बारे में जो बुरी थॉट जो उसके दिमाग में आ रही थी वो भुला सके, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, पोएट को क्या रियलाइज हुआ पेन के साथ, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, तो पोएट को रियलाइज हुआ, शी रियलाइज डैट हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग, उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि उसकी मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है, अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। इसी के साथ पैराग्राफ 2 कम्प्लीट, ये जो था 2011 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये भी है। तो अब बढ़ते हैं पैराग्राफ 3 की तरफ। पैराग्राफ 3 है, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली आर्च ए माई
childhood's fear, but all I said was, see you soon, amma. All I did was smile and smile and smile. सो ये जो है वो ये भी 2011 में आया है, 13 में आया है और 18 में आया है, एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. सो आपने इस पर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड फैमिलियर आचे, इट वाज द फेयर ऑफ हर मदर लिविंग हर. तो उसके अंदर यही फेयर था, यही डर था कि उसकी मम्मी जो है उसको छोड़ के चली जाएगी. हु सैड डैट वर्ड इन द अबव स्टेंजा एंड हु, ये सब जो वर्ड्स हैं वो कौन बोल रहा है इस पोएम में, ठीक है. तो किसके लिए बोल रहा है, मतलब ये कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है. तो ये कौन बोल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो पोएट बोल रही है. और किसके लिए बोल रही है, अपनी मम्मी के लिए बोल रही है, ठीक है, एट टू हर मदर. नाउ नेक्स्ट है, वट वर हर पार्टिंग वर्ड, वट डू दे सिग्निफाई, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था जो पार्टिंग वर्ड उसने बोला था वो था सी यू सून अम्मा, ठीक है. द पार्टिंग वर्ड्स वर डैट द पोएट वुड सी हर मदर सून, उसने ये कहा था कि अब मैं अपने आप, मैं मम्मी आपको जल्दी मिलूंगी, हम जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, सी यू सून अम्मा, ठीक है. उसको उन्होंने एक पार्टिंग वर्ड में बदल के लिखा है. एंड द वर्ड सिग्निफाइड डैट शी लव्ड हर मदर एंड डिड नॉट वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम हर फॉर लॉन्ग. ये वर्ड जो है वो पोएट चाहती थी कि वो अपनी मम्मी से दूर ना जाए, लेकिन तब भी उसको जाना पड़ रहा था, तो वो एयरपोर्ट से जा रही थी, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है पिछले नेक्स्ट पेज पे, वो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई. तो इट सिग्निफाई डैट द पोएट वॉन्टेड टू बी चेयर अप एंड हर मदर. उसकी स्माइल ये शो कर रही थी कि मतलब पोएट खुश है जाने से, ताकि उसकी मम्मी को ऐसा ना लगे कि पोएट दुखी है, और जाते टाइम वो उसे खुश देखना चाहती थी. कोई भी हमारी घर से जाता है तो हम चाहते हैं कि वो खुश होकर जाए, तो उसकी जो स्माइल थी वो ये सिग्निफाई कर रही थी कि उसकी मम्मा टेंशन ना ले, उसकी जो पोएट है यानी उसकी जो बेटी है वो अच्छे से जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वही पूछा था, नेम द पोएट एंड द पोएम. द नेम ऑफ द पोएट इज़ माई मदर एट 66 एंड द पोएट इज़ कमला दास. सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई डज द मदर बीन कंपेयर टू ए लेट विंटर मून. तो मम्मा को जो है उसने लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया इस पोएम में, ठीक है. उसकी मम्मा को लेट विंटर मून से इसीलिए कंपेयर किया गया है, ए लेट विंटर मून लोसेज इट्स ब्राइटनेस एंड ग्रो डीम. जो लेट विंटर मून होता है उसमें जो मतलब मून होता है वो काफ़ी डीम होता है, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं होती है. वैसे ही जब इंसान बूढ़ा हो जाता है या उसकी कोई भी आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो भी ऐसा ही मतलब वीक हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है, वो इतना फेस पे उसकी ग्लो नहीं रहता है, वो पेल दिखने लग जाती है. इसीलिए इन दोनों की कंपैरिजन की गई है. और इस पे एक क्वेश्चन भी बेस्ड था जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, वो वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है पैराग्राफ 4, और ये भी 2010 एंड 14 में आया है. अब देखते हैं पैराग्राफ क्या बोल रहा है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली आज माई चाइल्डहुड फेयर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. गाइज मैं इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, वो वाली वीडियो आप देख ले. अगर मैं इसमें भी दूंगी तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है उसका. सो नेम द पोएम एंड द पोएट, फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है पैराग्राफ में, तो इसको पढ़ लेना है. नेम द पोएम एंड द पोएट माई मदर एट 66 एंड कमला दास, ठीक है. वाई वॉज द मदर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर मून, ये हमने अभी पढ़ा. मम्मा को लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि लेट विंटर मून भी जो जब लेट मतलब होता है ना, मतलब लेट विंटर मून मतलब विंटर के टाइम में जो मून है वो ग्लो नहीं करता इतना, और बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं उसमें रहती, वो डीम रहती है. वैसे ही जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसमें भी ब्राइटनेस नहीं रहती है, कोई ग्लो नहीं रहता है, वो भी वीक हो जाता है, पेल हो जाता है. तो इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया गया है. वेयर इज़ द पोएट गोइंग एंड वट डज शी थिंक फॉर हर मदर. पोएट कहाँ जा रही थी, तो पोएट एयरपोर्ट पर जा रही थी. कहाँ, यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट इज़ गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट. पोएट जो है वो कोचीन के एयरपोर्ट पे जा रही थी. शी सीज डैट हर मदर इज़ लुकिंग एज पेल एज डेथ. वो क्या देख रही थी कि उसकी मम्मी इतनी बूढ़ी हो रही है, इतनी पीली पड़ रही है, जैसे कि अब वो इस दुनिया से
चली जाएगी. ए पेनफुल थॉट कम्स टू हर माइंड डैट हर मदर वॉन्ट लिव लॉन्ग. और एक पेनफुल थॉट उसके दिमाग के अंदर आया कि अब उसकी मम्मा ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक. सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट ने क्या किया. ठीक है, आफ्टर हर सिक्योरिटी चेक द पोएट लुक एट हर मदर हु वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आउटसाइड. द मदर लुक वेरी पेल एंड वीक. क्या किया, सिक्योरिटी चेक होने के बाद पोएट कुछ दूरी पे खड़ी हो गई और अपनी मम्मी को देखती रही. और वही वो क्या देख रही थी कि उसकी मम्मी बहुत पेल है, बहुत वीक है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी. ऐसा उसने पूरा माइंड में सोच लिया था क्योंकि उसकी मम्मी जो है अब ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फैमिली आर्ट डिड द पोएट फील. ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं. तो इट वॉज लाइक द पोएट यूज टू फील. उसको इस चीज़ का फेयर हो रहा था कि अब उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहेगी, तो इस चीज़ का उसको डर अंदर से बैठ गया था. वट इज़ चाइल्डहुड फेयर. क्या था पोएट के चाइल्डहुड का फेयर. द चाइल्डहुड फेयर इज़ द फेयर शी यूज़ टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन एवर शी फाउंड हर सेल्फ विद हर मदर. एक चाइल्डहुड का फेयर क्या होता है, जब एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा फेयर क्या होता है, जब उसकी मम्मी उसके पास नहीं रहती है, जब वो अपनी मम्मी को खो देता है, ये सबसे बड़ा फेयर है. तो वैसे ही उसकी लाइफ में भी ये फेयर अभी तक था कि अगर वो अपनी मम्मी को खो देगी तो वो कुछ नहीं पाएगी अपने आसपास. और ये एक चाइल्डहुड का फेयर है जो बचपन में बच्चों को रहता है और बड़े तक रहता ही है. What did the smile signify? Poet की smile क्या signify कर रही थी. The smile signified that the poet wanted to cheer up her mother. कि उसकी smile यही show कर रही थी कि वो अपनी मम्मी को cheer up कर रही है और अपनी मम्मी को दिखा रही है कि वो ज़्यादा दुखी नहीं है. इसलिए उसकी मम्मी, ताकि उसकी मम्मी जो है वो खुश रहे, उसको विदा करते टाइम उसकी मम्मी दुखी ना हो, इसीलिए वो smile कर रही है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरी है poet. गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इसमें मैंने सारे पैराग्राफ्स बता दिए हैं. पोएम 1 से रिलेटेड जितने भी पैराग्राफ्स थे वो यही है. इसको आप अच्छे से करेंगे तो पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, पैराग्राफ से आप निश्चिंत हो जाएंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपके फ़ोन पे आ जाए. और गाइस, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव है, ताकि सब अच्छे से पढ़ पाएँ, वो सब पे सक्सेसफुल हो. सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.